दक्कन में शिवाजी की बढ़ती शक्ति धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत के लिए खतरा बनती जा रही थी। मराठों ने दक्कन की कई रियासतों को अपने अधीन कर लिया था और मराठों की यह शक्ति मुगल सल्तनत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसीलिए मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर ने मराठों को अपने अधीन करने का मन बना लिया और अपने सबसे वफादार कमांडर राजा जयसिंह को दक्कन की ओर रवाना किया। राजा जयसिंह, जिन्हें मिर्जा राजे के नाम से भी जाना जाता है, शाही मुगल सेना के साथ दक्कन की ओर बढ़े। जयसिंह ने मुगल सेना के साथ पुरंदर के किले की घेराबंदी कर डाली व इसके बाद मजबूरन शिवाजी को संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तें कुछ इस तरह थी कि शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने होंगे और शिवाजी को आगरा में बादशाह औरंगजेब के सामने पेश होना पड़ेगा। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद शिवाजी बादशाह औरंगजेब के दरबार में पेश हुए। शिवाजी ने बादशाह के करीब जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया और अपनी ओर से कुछ तोहफे नजर किए। औरंगजेब आलमगीर शिवाजी का घमंड तोड़ना चाहते थे, वह इसीलिए उन्होंने अपने एक दरबारी को यह हुक्म दिया कि शिवाजी को दरबार की सबसे निचली मनसबदारी में खड़ा किया जाए। बादशाह का यह हुक्म मिलते ही शिवाजी को वहाँ खड़ा कर दिया गया, जहाँ से औरंगजेब का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। शिवाजी अपने इस अपमान से क्रोधित हो गए और दरबार के नियमों का उल्लंघन करने लगे। यह देख औरंगजेब ने उन्हें दरबार से ले जाने का हुक्म दिया और शिवाजी को महल से कुछ दूरी पर स्थित एक इमारत के अंदर कैद कर लिया गया। कई महीनों तक कैद रहने के बाद शिवाजी एक फूल की टोकरी में छुपकर वहां से भाग गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब द्वारा शिवाजी की कैद की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।